देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन विधानसभा चुनाव की तैयारियों और सीट बंटवारे को लेकर 14 अक्टूबर को जेएमएम के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में वो कांग्रेस, आरजेडी और माले के साथ मिलकर चुनाव लड़ने और उनके बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर में आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। कांग्रेस, सीपीआई, आप और निर्दलीय सदस्यों के समर्थन पत्र भी उपराज्यपाल को सौंपे गए। आज झारखंड के भाजपा प्रदेश कार्यालय में दो अहम बैठकें हैं। पहली बैठक चुनाव प्रबंधन समिति की है और दूसरी बैठक सभी मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ है। इन दोनों बैठकों में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा भी मौजूद रहेंगे। राज्य में कभी भी चुनावी बिगुल बज सकता है। पंजाब के फरीदकोट में जिला मजिस्ट्रेट कम जिला चुनाव अधिकारी विनीत कुमार ने जिले में शराब के ठेके आज और कल बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर इन दो दिनों के दौरान शराब के ठेके और अहाते नहीं खुलेंगे। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के अंतर्गत एक विशेष रेलगाड़ी आज बीकानेर रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम के लिए दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी। ये ट्रेन जालौर के वरिष्ठ नागरिकों को रामेश्वरम के धार्मिक स्थल की यात्रा का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। वीवो ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन X200 सीरीज को आज शाम 7 बजे चीन में लॉन्च करेगा। ये नई सीरीज न केवल महत्वपूर्ण अपग्रेड लेकर आई है, बल्कि इसमें मीडियाटेक डायमेंशन 9400 भी शामिल है, जो एंड्रॉयड इकोसिस्टम में पहली 3nm चिप है, जिसे TSMC की 3nm प्रक्रिया पर बनाया गया है। राजस्थान के जयपुर में वेटरनरी यूनिवर्सिटी के संगठक और संबद्ध कॉलेजों में रिक्त रही सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग आज होगी। इन कॉलेजों में मौजूदा सीटों पर BVSC एंड AH डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश के हरदा में आज जिला पंचायत सभागृह में जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक का आयोजन होगा। कलेक्टर आदित्य सिंह की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में किसानों के द्वारा रबी सीजन की सिंचाई के लिए तवा डैम से पानी छोड़ने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया था। राजस्थान के जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइप लाइनों के अति आवश्यक रखरखाव व सफाई के लिए आज जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस के सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। बता दें कि जलापूर्ति न होने के चलते लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था टीकमगढ़ में एक दिवसीय प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन होने जा रहा है। ये मेला आज सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इस मेले में 10वीं 12वीं उत्तीर्ण या ITI व्यवसाय जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, डीजल मैकेनिक आदि में उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1882 में शिमला में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आज ही के दिन 1950 में परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1953 में भारत में संपदा शुल्क अधिनियम प्रभाव में आया। आज ही के दिन सन 2010 में राजधानी दिल्ली में चल रहे 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हुआ। आज ही के दिन सन 2013 में पूर्व केंद्रीय मंत्री व सामाजिक कार्यकर्ता मोहन धारिया का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।